आदिवासी जमीन जोत आबाद करते आ रहे हैं 200 साल से भी ज़्यादा, जिस वक्त इस सीओ का जन्म नहीं हुआ था, जो अब तक जो लोग फसल जो कोई उपजाना जानता नहीं है, ये जंगली इलाका था, डनकोड़ा हसनगंज मनसाही ये हृदयगंज जंगली इलाका था। नमस्कार, पीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कटिहार में भाकपा माले की ओर से जन समस्याओं को लेकर जिला समरणालय के समक्ष विराट प्रदर्शन। आज दिनांक 22 फरवरी 2022 को भाकपा माले जिला कमेटी कटिहार की ओर से जिला समरणालय के समक्ष विभिन्न जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कार्यक्रम के आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से निम्न वर्णित जन समस्याओं सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित समाधान की मांग को लेकर विधायक महबूब आलम एवं आदिवासी समाज के लोगों ने मिलकर कटिहार जिला प्रशासन से न्याय की लगाई है गुहार। देखिए इस रिपोर्ट में कटिहार से कुमार अखिलेश की खास रिपोर्ट। कि आदिवासी जमीन को हड़पने की जो साजिश हो रही है, सिकनी बटाईदार को जो बेदखल करने की साजिश हो रही है, जिस साजिश के तहत हाईकोर्ट का बहाना बना करके सीओ ने जिस तरह से हमारी खड़ी फसल को रौंद दिया, ये कोई कानून नहीं है। हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे कि हमारी खड़ी फसल को रौंदने का अधिकार आपने दिया था सीओ को कि नहीं, कोई कानून नहीं है। ये जो किसान का खून पसीना बन के टपकता है जमीन पर, तो एक एक दाना सरसों का, एक एक दाना धान का होता है, तभी लाखों क्विंटल अनाज सरकार जो ढिनोरा पीटती है कि हमने उत्पादन किया है, ये उत्पादन किसान ने किया है, तो आपने इस फसल को रौंद क्यों डाला? इसके खिलाफ में हम लोग मुकदमा करेंगे और हाईकोर्ट के पास भी जाएंगे कि सीओ जो बदगुमान सीओ है, जो शैतान है, इसको सस्पेंड किया जाए और कार्रवाई किया जाए और हम अपनी जमीन को ट्रस्ट के जरिए इन बिचौलियों को, इन शैतानों को 24 बीघा जमीन, जो करोड़ों की जमीन है, हड़पने नहीं देंगे। इस जमीन की हिफाजत के लिए हमने कहा कि हमारी जान चली जाएगी, आदिवासी का खून बह जाएगा जमीन में, लेकिन जमीन हम लोग छोड़ेंगे नहीं और हमारी पार्टी पूरी ताकत से, मुस्तैदी से आपके साथ खड़ी है। आने वाला दिन में हजारों की संख्या में हम लोग जमा होकर के कलेक्टर को खबरदार करेंगे कि ये सब बहाना बना करके अपने बदगुमान सीओ को भेज करके हमें हमारी छाती पर जो तुमने हल चलाया है इसका जवाब देना होगा, और जब तक जवाब नहीं लेंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेन मुद्दा जो आदिवासी जमीन जोत आबाद करते आ रहे हैं 200 साल से भी ज़्यादा, जिस वक्त इस सीओ का जन्म नहीं हुआ था, जो अब तक जो लोग फसल जो कोई उपजाना जानता नहीं है, ये जंगली इलाका था, डनकोड़ा हसनगंज मनसाही ये हृदयगंज जंगली इलाका था, और जंगली इलाके को खून पसीना बहा के आबादी के लायक बनाया, ये सिकनी होल्डर है, और सिकनी होल्डर को सरकार का जो पदाधिकारी सीओ, इनकी ड्यूटी है कि खोज के इनको आबाद दोबारा बटाईदारी एक्ट 48E के तहत अधिकार देना चाहिए, और दोबारा 48D के तहत मालिकाना हक भी देना होगा, और ये हम लोग आंदोलन के जरिए हासिल करते हैं। सर जिला मतलब जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? अरे जिला प्रशासन मेमोरेंडम दिए हम, आप ले लीजिए कि हमारे जमीन को जो हड़पने चाहता है उसको हटाइए आप, हम जमीन जोताबाद करते आ रहे थे और जोताबाद करेंगे।